श्री ने जूस निकाल दिया मैंने अम्मू के लिए, ठीक है अम्मू उठेंगी तो उनको दे देंगे, और मैंने सैलेड भी बनाकर रखा है फ्रिज में, लेकिन अम्मू को देने से पहले उसमें थोड़ा सा स्पाइस ऐड करेंगे, चटपटा अच्छा लगेगा उनको, ठीक है जी। अच्छा तुम बाकी के लोगों के लिए नाश्ता लगा दो, अम्मू उठ जाएंगे तो मैं उनको करवा दूंगी। बीबी जी आज आप ऑफिस नहीं जाएंगी? नहीं मैंने 2 दिन की छुट्टी ली। तुम फिर आ गई यहाँ? जी क्योंकि अम्मो को मेरी जरूरत थी। ये क्यों नहीं कहती हो कि अम्मो के बहाने तुम्हें यहाँ रुकने का मौका मिल गया? तुम जानती हो ना कि तुम्हें फारूक बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसने तुम्हें यहाँ से निकाला था। बेहतर यही होगा कि उसके उठने से पहले तुम इस घर से चली जाओ। मैंने रोका है इसे। तुमने रोका है? मैंने रोका है इसे। फारूक लेकिन तुमने ही तो इसे इस घर से निकाला था। मैंने कभी भी नहीं निकाला था इसे। गलतफहमी भी हो जाती और फिर जो बात गुजर गई है उसे दोहराने का क्या फायदा। निकाला तो तुम नहीं था फारूक, अब अपनी बीवी की खौफ से अगर कुछ कह नहीं पा रहे हो तो वो एक अलग बात है। मेरे जाती मामलात में दखल अंदाजी देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है, यहां फैसला भी मेरा ही होगा कि कौन रहेगा और कौन नहीं। फारूक इस मामूली लड़की के लिए तुम मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। मामूली लड़की नहीं है, मेरी बीवी की भतीजी और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त की बेटी है। और जिससे मेरा ताल्लुक हो वो मामूली नहीं होता, वरना तो तुम भी बहुत मामूली हो। नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई बकवास नहीं करना। Thank you.